देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ में राजेंद्र गुर्जर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुजफ्फरपुर जिले के करजा थाना क्षेत्र के गोरियारा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद गांव में आक्रोश व्याप्त हो गया। सूचना पर पहुंची करजा थाने की पुलिस ने मामले की जांच की। प्रारंभिक जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजने की कवायद चल रही है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान उसी इलाके के निराला कुमार के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि पारिवारिक विवाद में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि स्वजन का बयान दर्ज करने की कवायद चल रही है। पुलिस की माने तो गांव में स्थिति शांतिपूर्ण है। बताया गया कि देर रात निराला अपने घर के दरवाजे पर सोया नहीं था। इसके पूर्व परिवार के लोगों से उसका विवाद हुआ था। इसी में उसे सोए हालात में उसके पीठ में गोली मार दी गई। सुबह में लोगों को घटना की जानकारी मिली। इसके बाद आक्रोश भड़क गया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में बहनोई पर ही गोली मारने का आरोप लगाने की बात सामने आई है। हालांकि स्वजन का बयान दर्ज नहीं हो पाया है। बता दें कि निराला मजदूरी करता था। कहा जा रहा है कि उसके बहनोई से लेन देन का विवाद चल रहा था। पैसे मांगने की बात पर देर रात दोनों के बीच विवाद हुआ था। इनमें दोनों के बीच मारपीट भी हुई थी। इसके बाद सोए हालात में उसे गोली मार दी गई। कहा जा रहा था कि घटना के बाद से बहनोई फरार हो गया है, इसलिए उस पर संदेह गहरा है। बहरहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर स्थिति स्पष्ट करने में जुटी हुई है। जानकारी तो यही मिला है जो वो रात में सोया हुआ था, छत पर जा करके कोई गोली मारा, वो चिल्लाया, उसके बाद 10 मिनट बाद गया वहाँ तक, खून उन गिरा हुआ था। उसके बाद में वो चिल्लाया जोर से तो गांव वाले पहुँचा, देखा जब बोला जे गिर गया होगा, तो डॉक्टर कने प्रसाद में लाया वो, उसके बाद में यहाँ आकर के दम तोड़ दिया, फिर वापस चला गया। अब सुबह में जो कार्यक्रम है से तो जाने रहे हैं। क्या हल्ला क्या हुआ है? हल्ला तो रात में हुआ जो गिर गया है, मगर सुबह में उसका बहन आया तो मालूम पड़ा जो गोली मार दिया। कौन गोली मारा? उसका बहन ही मारा। कहे मारा, कुछ कारण पता चल पाया है? नहीं, यह मालूम नहीं, ये पहले से विवाद होगा। ये स्पष्ट हो गया कि उसके बहन ही। हाँ, कहाँ है बहन? ये भी है का? वो तो भाग गया, वो पकड़ा जाता तो उसको छोड़ता, पीस बना के छीड़ देता लोग। कितना भाई था? कौन? वही मृतक। मृतक भाई में अकेला है, चार बहन। चार बहन है। क्या करता था मृतक? वो तो पढ़ता था और उसके बाद में वो इधर उधर मजदूरी कर लेता था लड़का। पूरा मामला लग रहा है। सूचना ये सुबह में 6:30 बजे लोगों के द्वारा हम लोगों को टेलीफोनिक सूचना मिली कि गुड़ियारा में एक नहर के किनारे में एक लड़के का मर्डर हो गया है। और जब हम लोग यहाँ पे अभी आए हैं तो ये लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली है कि लड़के का अपने बहनोई से, जो कि वैशाली थाना अंतर्गत वैशाली जिला का रहने वाला है, पूर्व से कुछ विवाद चल रहा था। और तत्कालिक तो ये इन्फॉर्मेशन मिली कि पैसे को लेके कुछ विवाद था। वो पैसे का डिमांड कर रहा था अपने ससुराल से 15,000 रुपये का, और पैसे को तत्काल ना मिलने के कारण हत्या का कारण बताया गया है। अन्य बिंदुओं पे हम जांच कर रहे हैं, और भी मरीज, इसके अलावा भी और कोई बिंदु अगर होगा उसको हम अनुसंधान। गोली उली लगी थी क्या? हाँ, गोली लगी है, पीठ पे गोली मारा है। कितना गोली है? लगभग एक गोली पीठ पे छेद है, गोली का स्पष्ट निशान है। आगे की क्या कार्रवाई? हम लोग भी अपने अग्रसर कार्रवाई, गिरफ्तारी के लिए हम लोग अविलंब गिरफ्तारी का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभियुक्त वैशाली जिला अंतर्गत का, हम लोग अपने सीनियर पदाधिकारी और संबंधित जिला के पदाधिकारीगण से मिलकर। ठीक है सर, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम मणिभूषण कुमार है। करजा थाना, करजा।